हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। तो ये जो क्लिप है 8 तारीख की है, 8 तारीख की शाम की। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, शाम वाली झाड़ू जो होती है। मेरे बाकी जो काम थे वो हो गए थे, जैसे कपड़े वगैरह उतारना, तय करना, सूखे हुए कपड़े, वो सब कार्य सारे काम हो गए थे, चाय वगैरह सब कुछ हो गया था। बस मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि अभी जो है घर इतना गंदा रहता है कि बालू सीमेंट अभी भी निकलता ही निकलता रहता है। जितनी बार मैं झाड़ू लगाऊँ ना, उतनी ही बार बालू सीमेंट निकलता है इसमें। वैसे भी कई बार धो चुकी हूँ मैं, हर दिन धुलता ही रहता है, फिर भी बालू सीमेंट रहता ही रहता है। फिर बच्चों का भी घर है भाई, बच्चों का तो आपको पता है, जहाँ बच्चे छोटे छोटे होंगे वहाँ तो घर गंदा रहता ही है। एक तो कोई भी सामान जगह पे नहीं मिलता, फैला रहता है। तो बस झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं शाम को अपना खाने पीने की तैयारी करूँगी। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ये काट रही हूँ पालक, क्योंकि आज शाम को पालक बनेगा और पालक का साग और बाजरा की रोटी बनेगी। तो ये पालक मैंने आपको परसों वाले ब्लॉग में दिखाया था, ये सब्ज़ी वगैरह लेके आई। तो ये सब्ज़ी ऐसी होती है, पालक वगैरह के फ्रिज में रख दो तो बेकार हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे अपनी सब्ज़ी काट के रख दूँगी, जिससे कि धुल के अपना पानी नहीं छूट जाएगा अच्छे से। तो मैं ब्लॉग रात में नहीं शूट कर पाई थी, ये सुबह का है, 9 तारीख की सुबह का। मैंने बर्तन वगैरह साफ करके रखती हैं पूजा के, इसके बाद में बस आऊँगी पूजा करने के लिए। हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज है दिन मंगलवार और आज है प्रदोष, शिव प्रदोष। तो मेरा व्रत है आज, और बस सभी पूजा पाठ कर ली है मैंने, खाना भी बना लिया है। आज सुबह से मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था, ये दोपहर का टाइम है। और बस राघव को कई दिन से फीवर हो रहा है, कई दिन, मैंने उस दिन भी बताया था आपको, शायद कल या परसों के वीडियो में बताया होगा, उसको बुखार आ रहा है कई दिन से ना। तो मैंने भी सब्जी तो बनाई थी, आलू मटर की सब्जी और रोटी, बट उसका मन नहीं है खाने का। वो कह रहा था मम्मा मुझे आलू से वो मटर की सब्जी नहीं खानी, वो होता है ना बुखार में जैसे वो हो जाता है, मुँह का टेस्ट चेंज हो जाता है, अजीब सा मुँह हो जाता है ना, नहीं अच्छी लगती। तो बोली मुझे आलू से रोटी खानी है, आलू में नमक मिर्च डाल के, उसको पसंद है बहुत वैसे भी। तो मैंने यहाँ पे देखी उसके लिए आलू में नमक मिर्च डाला है और बस उसको रोटी दूंगी। आज मैंने सुबह से कोई ब्लॉग शूट नहीं किया है, मैंने कहा चलो शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि आज भी कोई ब्लॉग नहीं गया, क्योंकि राघव के चक्कर में मैंने कोई ब्लॉग पर्स कल भी नहीं शूट किया था, तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर होता है ना बच्चा जब बीमार हो तो नहीं मन करता है, अभी ये ठीक है, ले खाना खा लो, बैठ जाओ वहाँ बैठो बिस्तर पे। तो बस आराम से बैठ के है ना खा लो। तो मैंने कहा चलो आपसे थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। और आज जो है क्या कह रही थी मैं, बैठ जाती। तो आज प्रदोष तो है ही, आज तारीख है 9 फरवरी और मैं बैठ नहीं पा रही, अजीब सा लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा इधर चलती हूँ। 9 फरवरी है और 9 फरवरी को बहुत ख़ास दिन है, ख़ास दिन क्या कहूँगी मैं इसको, ऐसा दिन है कि जिस दिन मेरा कोई अपना मुझसे छिन गया था, मेरा अपना कोई मुझसे दूर चला गया था, वो दिन है आज। तो मैंने, मेरा मन भी नहीं करता आज के दिन, मुझे पता नहीं क्यों 9 फरवरी को मुझे ना बस पूरा दिन सुबह से ही ऐसा लगने लग जाता है कि कुछ मन नहीं करता कुछ भी करने का सुबह से ही, क्योंकि उसकी खबर जो मुझे मिली थी तो सुबह ही मिली थी, बिल्कुल मॉर्निंग में चाय भी नहीं पी थी मैंने, उस टाइम मुझे खबर मिली थी। तो सुबह से ही ना मैं 9 तारीख में तो ऐसा होने लगता है कि कुछ भी करने का मन नहीं होता है। पूजा करनी थी कर ली है, काम भी करना पड़ता है भाई, वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी कर लो खाना तो खाना ही है, तो काम तो देखो करने पड़ते हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, सोते भी हैं, सब कुछ करते हैं, हंसी खुशी सब कुछ होता है। लेकिन वो कहते ना एक तारीख जो ऐसी होती है कि वो हम नहीं भूल सकते, वो तारीख आते ही एक अजीब सा होने लगता है, एक अजीब सी फीलिंग, वही चीज़ दोबारा से माइंड में रिपीट हो जाती है जो उस टाइम हुआ था, वो सब रिपीट हो जाता है। उस चक्कर में मेरा हमेशा यही है, 3 साल हो गए आज,
लेकिन कहते हैं ना, आज भी हमारी आंखें उसको ढूंढती हैं कि नहीं है वो यहीं कहीं है, क्योंकि एक वो रहता है ना, एक अंदर से कोई इंसान का लगता है कि नहीं शायद ये जाएगा, लेकिन जिसका नहीं लगे कि इसके कोई भी हो सकता है वो इंसान चला जाए तो फिर दिल मानने को तैयार नहीं होता है। वो भी जब जबकि अपने बच्चों का कुछ ना करके, अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ के, सबको ऐसा छोड़ के कोई इंसान चला जाए अधूरा काम किए बिना, तो ज़्यादा दुख होता है। तो आज तो ऐसे ही रहता है, मेरा जरा मन ही नहीं लगता, सुबह से वही चीज़ रिपीट होने लग जाती है दिमाग में कि ऐसे थी, ऐसे था, ये हो रहा था, इस टाइम ये हो रहा था। मैं सुबह से इनसे कई बार पूछ चुकी हूँ कि इस टाइम क्या हो रहा था, इस टाइम क्या हो रहा था, ये मुझे बता रहे थे कि इस टाइम तो फ़ोन आ गया था, इस टाइम तो ये कर रही थी, इस टाइम वहाँ ये हो रहा था, इस टाइम वहाँ वो हो रहा था, वो सारी चीज़ें ये मुझे बता रहे थे। देखो मैं ही नहीं, सबको, उसके बच्चों को तो पूछो, बच्चों पे क्या बीतती है ना, माँ पे क्या बीतती है, मेरी मम्मी पे। मेरी मम्मी सच बताऊँ ना, जिस दिन से हो गई है ना, उस दिन से बिल्कुल टूट गई है, बिल्कुल। वो रौनक उनके न तो चेहरे पे आई, तब से वो ठीक ही नहीं है, कुछ ना कुछ उनको होता ही रहता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कभी कुछ परेशानी, तब से वो टूट गई है। एक तो पहला बच्चा, किसी माँ का पहला बच्चा अगर चला जाए ना उसकी आंखों के सामने, तो क्या गुजरती है ये एक माँ ही समझ सकती है। माँ से पूछो क्या गुजरती है उस पर, जिसका मतलब वो कहते हैं ना माँ बनने का सुख, जिस बच्चे से मिला हो वही बच्चा दुख भी दे जाए, तो क्या गुजरती होगी उस माँ के दिल में, मैं समझ सकती हूँ। तो आज मेरी दीदी को 3 साल हो गए, लेकिन आज भी उसको बहुत याद करते हैं, बहुत याद करते हैं, बहुत। वो कहते हैं ना, कितने भी साल हो जाए, कितने भी हो जाए, जो इंसान दिल के करीब होता है उसको तुम कभी नहीं भूल सकते। और मैं सच बताऊँ ना, आज भी मैं अपने घर जाती हूँ, अपने मायके जाती हूँ, तो सच में मेरी नज़र उसको ढूंढती है, हमेशा ढूंढती है। उसके बिना बहुत अधूरापन लगता है मुझे। वहाँ बहने को मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी है, मुझे लगता ही नहीं है बहन जैसी हैं वैसी ही मेरी भाभी हैं, लेकिन फिर भी अगर ना हो, बहन ना हो ना, तो नहीं रहता। होते हुए अगर चली जाए तो बहुत दुख होता है, सच में मैं भूल ही नहीं पाती हूँ उसको। जब भी मैं अपने घर जाती हूँ, मुझे वो रहता है अभी दीदी नहीं आई, अभी दीदी नहीं आई, क्योंकि हम दोनों जब जाते थे तो साथ ही जाते थे, पहले से फ़ोन पे बात हो जाया करती थी कि दीदी कब आ रही है, या वो मुझसे पूछती थी तू कब आ रही है, मैं जब ही आऊँगी। सच में ऐसा लगता है जैसे कि कहीं गई नहीं है वो, यहीं कहीं है, नहीं या मतलब उसके बच्चों का मुझे बहुत दुख होता है, उसकी बेटी का, उसके बेटे का, 2 बच्चे थे, सब कुछ नहीं, घर गई अपने बच्चों का, सबके लिए बहुत करती थी, बहुत करती थी सबके लिए, लेकिन अपने बच्चों को ऐसा ही छोड़ गई। उसका मकान बना हुआ है वहीं पे। दिव्या बोलती है मौसी आओ मकान देख जाओ, घर देख जाओ, नया बना है। मैंने कहा मेरा मन ही नहीं करता, क्योंकि जब मैं जब जब उस मकान के बारे में सोचती हूँ ना, तो मुझे दीदी खड़ी हुई दिखती है छत पे, कि वो जब हम पहुँचते थे तो छत पे खड़ी रहती थी, हमारा इंतज़ार करती थी कि ये लोग आ रहे होंगे, तो वो मेरा मन ही नहीं करता जाने का तब से ऐसा। तो बस चलिए, अभी मैंने इतना ही काम वाम तो नहीं कुछ किया है, मेरे भी पता है बर्तन वगैरह भी पड़े हुए हैं, मैंने बर्तन भी साफ नहीं किए हैं, क्योंकि आज अपने आप में ही खुद अपने आप से ऐसे अजीब सा हो जाता है हाथ वाथ। और भी काम वाम ही मेरा किचन सेट नहीं हुई है, वो इसी वजह से नहीं हुई है कि वो काम बाकी रह गया है ना, अभी टाइल्स का काम रह गया है, टाइल्स वाले भी आए थे उस दिन, बात हो गई है, 1-2 दिन में हो जाएगा काम शुरू। तो बस चलिए, अगर होगा तो मैं कुछ आगे और शूट करूँगी थोड़ा बहुत, अगर होगा मेरे से तो, नहीं तो आज मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जब मन खुश होता है ना तो सब कुछ करने का मन करता है, जब मन खुश नहीं होता तो फिर कितना भी कुछ हो नहीं मन करता है। लाइट चली गई लगता है, क्योंकि अभी हमारी लाइट, घर की लाइट भी ऐसे ही पड़ी है,
फिटिंग विटिंग आधी अधूरी हो रखी है ना, इस वजह से। तो चलिए आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में।